फैक्ट नंबर टू, फ्रांस 1947 में टोक्यो के एयरपोर्ट पर एक ऐसा आदमी लैंड किया जो कि एक ऐसे देश से आया था जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिया टोड ना के एक ऐसे देश से आया था और उसके पास जो है बाकी सब देशों के भी वीज़ा थे और उसके पास टोड ना के देश का भी वीज़ा था। वो बता रहा था कि ये जो हमारा देश है टोड, ये तकरीबन 1000 साल पुराना है और उसी वजह से जो है लोकअप, उसको जो है लोकअप में डाल दिया गया। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि वो अगले ही दिन जो है लॉकअप से अचानक से गायब हो गया। और कई लोग सोचते हैं कि जो जो था पैरेलल वर्ल्ड से आया था जो कि बहुत साल के बाद आएगा समय, तो इसी वजह से उन्होंने सोचा था। फैक्ट नंबर वन, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक होली से मिलता जुलता फेस्टिवल मनाया जाता है, मड फेस्टिवल। यह इस फेस्टिवल में जो है लोग कीचड़ से खेलते हैं और इस फेस्टिवल में जो है लोग कीचड़ से खेलते हैं और एक दूसरे को कीचड़ में फेंकते हैं और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। और ये जो फेस्टिवल होता है इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और जो जवान लोग होते हैं उनके लिए तो ये किसी त्यौहार से कम नहीं होता, क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से अपने दिल की बात करते हैं और उन्हें प्रपोज करते हैं। और अगर आपको भी प्रपोज करना है तो ये एक आपके लिए एक फेस्टिवल की तरह ही होगा जिसमें कि आप उनको प्रपोज कर सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को। और इसमें जो है एक पूल बनाया जाता है जिसमें कीचड़ रखा जाता है और ये जो कीचड़ होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें कि लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं और एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आप इस फेस्टिवल में जाना चाहेंगे या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।